हरे कृष्ण, मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, चाहे प्रेम का मामला हो, चाहे संतान का मामला हो, चाहे आपके नेतृत्व करने की मामला, चाहे समाज सेवी का मामला हो, इसमें दो अंक का कोई सानी नहीं होता। दो अंक के लोग होते हैं, उनका खास मायने होता है। आज आपको मैं बताऊंगा कि दो अंक वाले लोग जो है कैसे होते, उनकी क्या विशेषता होती है और किसके द्वारा इनका नेतृत्व होता है, तो आइए आपको बताते हैं। जो दो नंबर होता है पूर्ण रूप से या चंद्रमा का अंक माना जाता है। इस अंक में विस्तारवादी सोच होती है। आदमी इस तरह के लोग काफी सरल होते हैं, सफल होते हैं और राजनीति में इनका बहुत बड़ा रुझान होता है और नेतृत्व करने की इनके अंदर क्षमता होती है। खास तौर से इनका अर्थ जो कोमलता, कला और सौंदर्य के प्रति इनका रुझान होता है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही चुंबकीय होता है, आकर्षक होता है और ये अंक खास तौर से यात्रा, नेम फेम, संतान और रिश्तों के लिए बहुत ही अद्भुत माना जाता है। इनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुण होते हैं और ये कहीं भी रहते हैं अपने स्वभाव के नाते एक अलग तरीके की छाप छोड़ते हैं। इस अंक को प्रभावित लोग, जो इस अंक वाले लोग हैं, इससे प्रभावित लोग कौन कौन होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म खास तौर से 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख, जिनका मूलांक 2 होता है, वो इस तारीख के जन्म लोग होते हैं। और जिनकी जन्मतिथि, माह और वर्ष का योग 2 हो, वो 2 अंक से प्रभावित होते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की प्रधानता ज्यादा हो, वो लोग जन्म से ही, जन्म उनका वर्षा ऋतु में खास तौर से होता है, जिनका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ होता है। इस अंक की शक्ति क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि इस अंक की शक्ति क्या है। इस अंक वालों के लोग जो होते हैं, खासतौर से इनके अंदर कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन कूट कूट के भरा होती है। इनके अंदर मजबूत इमेजिनेशन की क्षमता होती है, किसी भी चीज़ को सोचने की जबरदस्त क्षमता होती है। इनके अंदर एनालिटिकल ब्रेन होता है, दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं और इनके पास खास तौर से पोषण और देखभाल और कल्याण करने की क्षमता और करुणा की भावना इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होती है। लोगों के लिए काम करते हैं, इनके अंदर दया भाव होता है, इनका मन बहुत ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है और बहुत ही जल्दी किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। इनका कारुणिक पक्ष बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इनके अंदर दया भाव ज़्यादा होती है। इस अंक वाले गजब के कलाकार होते हैं। खास तौर से देखा गया है कि इनका जो कलात्मक पक्ष होता है बड़ी जबरदस्त होता है। इनके अंदर कलात्मक पक्ष होता है, रचनात्मक पक्ष इनका बहुत अच्छा होता है, किसी भी सोच को इमेजिनेशन करके लिखने की क्षमता इनके अंदर जबरदस्त होती है, बहुत अच्छे साहित्यकार होते हैं। अगर ये कला, चिकित्सा या शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं तो बहुत ही सफल होते हैं, इनका नाम बहुत होता है और अपने कार्यों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा ये काफ़ी प्रख्यात होते हैं। रिश्तों को जोड़ने में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। रिश्तों को कैसे निभाया जाए, इस अंक के लोग बखूबी जानते हैं। रिश्तों में डूब जाते हैं और रिश्तों में आत्मसात कर लेते हैं और रिश्तों के प्रति इनकी जबरदस्त समर्पण भावना होती है और ये सर्वप्रिय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और जिस भी रिश्ते में होते हैं, रिश्ते में बहुत ही गजब के ऑनेस्ट होते हैं। इस अंक की कमजोरी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। खास तौर से लोग जरूरत से ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक होते हैं, इनका भावुकता पक्ष बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इनकी भावुकता के कारण लोग इनका मिसयूज करते हैं, कई बार लोग इनके भोलेपन का, सीधापन का सीधे सीधे लाभ उठाते हैं। कभी कभी ये ज़्यादा कल्पना से इनका नुकसान हो जाता है, बहुत ही निगेटिव थाट पर चले जाते हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इनकी निगेटिविटी ज़्यादा हावी हो जाती है और इनके अंदर असुरक्षा का भावना, अज्ञात भय मन में डेवलप हो जाता है। सर्दी, जुकाम और गले की समस्या से ये सदैव परेशान रहते हैं। इनको खास तौर से जैसे मौसम चेंज होता है, इनको एलर्जी होती है, इनको मन में अज्ञात भय होता है और कई बार क्या होता है कि इनको छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशानी होती है। हेल्थ इनका हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, ऐसे लोगों की इम्यून क्षमता बहुत ही कम होती है। रोग से लड़ने की इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता लगभग नहीं के बराबर होती है। जैसे मौसम चेंज हुआ, सर्दी, जुकाम, बलगम, खांसी, इस तरह के लोगों को मुख्य समस्या हो जाती है। लोगों को ठीक करने के चक्कर में ये अपना नुकसान पहुंचा लेते हैं। कई बार लोगों का भला करने में, लोगों के अच्छा करने में ये हमेशा अपना नुकसान पहुंचा लेते हैं और लोग इनकी हमेशा, इनके सीधेपन का, भोलेपन का सदैव ये मिसयूज हो जाते हैं, इनका लोग लाभ उठाते हैं। कभी कभी ये क्या होता है कि इनको तमाम तरह की बीमारी भी हो जाती है, परेशानी भी हो जाती है और उनका टॉन्सिल इत्यादि बढ़ जाता है। इस अंक के
लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। एक तो आप रिश्ता बनाने में हमेशा केयरफुल रहें, बहुत ज्यादा किसी रिश्तों में डूबे ना, संवेदनशीलता से थोड़ा सा बचें। बहुत ही संवेदनशील है रिश्तों में, बहुत ही जबरदस्त संबंध बना लेते, इससे आपको बचना चाहिए। जीवन में विलंब होने पर आप परेशान हो जाते हैं, तो उसमें परेशान ना हो, खास तौर से खान पान पर लापरवाही ना बरतें, और चमकदार और खूबसूरत रंगों का प्रयोग करें, आपके लिए बेहतर होगा। खास तौर से पीला और एक ओपल या मोती अगर आप धारण करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, और आपके एकाग्रता के लिए, हेल्थ के लिए, लक्ष्य के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। और खास तौर से आप भगवान शिव की आराधना करें, ओम सोम सोमाय नमः, अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज हमने आपको बताया कि जो दो नंबर वाले जातक हैं इनकी क्या विशेषता होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इनके डिमेरिट क्या होता है, इनको कैसे अपने अंदर रहन सहन में कैसे सुधार रखना चाहिए, इनको कितने संवेदनशील पक्षों पर कैसे सावधान रहना चाहिए, रिश्तों को कैसे सावधानी से बरतें, और ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके भोलेपन का कोई कायदे से फ़ायदा उठा लेता है तो आपको हमेशा अपने को सचेत और सावधान रहना चाहिए। जब कहीं अगर आपको लगता है परेशानी है तो खास तौर से अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, और अंतरात्मा की आवाज़ पर अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज आपने जाना कि दो अंक वाले लोग कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनके अंदर मेरिट क्या है, उनके अंदर डिमेरिट क्या है, उनको क्या सावधानी, सब मैंने विस्तार से बताया। अब आइए हम आपको बताते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज है 16 सितंबर 2019, दिन है सोमवार, तिथि है द्वितीया, रेवती नक्षत्र है कृष्ण पक्ष, चंद्रमा रहेगा मीन राशि में, शुभ समय है 11:51 से लेकर 12:40 अपराह्न काल तक रहेगा, राहु काल है 7:41 से लेकर 9:12 आपके प्रातः काल तक रहेगा, पूर्व दिशा का दिशा शूल है, यात्रा करने से परहेज करें। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि यदि अगर आपके सामने कोई एसेंशियल जरूरत कार्य आ गया, जरूरी है, इंटरव्यू देना है, तो आप दही गुड़ खा के यात्रा कर सकते हैं, अपने कार्य के लिए जाए आपको सफलता मिलेगी। राहु काल में कार्य करना वर्जित है, तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से परहेज करें, और जब भी शुभ मुहूर्त में आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है और आपको उसमें गुणात्मक लाभ होता है, इसलिए हमेशा मुहूर्त का, तिथियों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं आज के दिन जन्म जातकों के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं आज के दिन जन्म जातकों के बारे में। आज है 16 सितंबर 2019, तो आज जिनका जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, आप खूब प्रगति करें, आगे बढ़ें, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं प्रभु की कृपा से पूर्ण हो, हैप्पी बर्थडे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो 16 तारीख के जन्म जातक हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो जो 16 तारीख के जन्म जातक है खास तौर से वर्ष आपके लिए लेखन कार्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा, यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो एकेडमिक बहुत ही अच्छा है, आपकी प्रगति हो सकती है, पदोन्नत होने की संभावना बन रही है, घर बनवा सकते हैं, माता का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, ढेर सारे कार्य एक साथ होने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वर्ष आर्थिक स्थिति आपकी सशक्त होगी, घर बनवा सकते हैं, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, घर में नए मेहमान के आगमन की भी संभावना बनता देखा जाता है, वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो 12 राशियों वाले लोग हैं उनका कैसा रहेगा, तो उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अब आइए हम बात करते हैं राशियों के बारे में, बात करते हैं प्रथम राशि मेष राशि से। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो आज आपको ध्यान रखना है कि आपके राशि से 12वें मीन राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आज आपको देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, आयात निर्यात का योग बन रहा है, आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी, आपके बहुत सारे कार्य एक साथ होने से मन प्रसन्न रहेगा, चारों तरफ से आपको खुशी का, लाभ का समाचार मिलेगा, धन धान के क्षेत्र में वृद्धि होगी और व्यापार का भी प्रबल योग बन रहा है। यदि आप स्टार्टअप इत्यादि खोलना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा, खासतौर से जो शिक्षार्थी हैं विद्या के क्षेत्र में लगे हुए अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे उनका करियर बहुत अच्छा होगा, रिसर्च के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर सकते हैं और उनको सरकारी नौकरी प्राप्त होने का योग बन रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, एकाग्र होकर अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएं और अपने कार्य क्षेत्र में लगें, आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है, आपकी एकाग्रता बढ़े, आपका काम हो, आपको सफलता मिले, इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, और आपको यश मिले इसके लिए सूर्यदेव को जलाभिषेक करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण।
अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं, आपके राशि से 11वें मीन राशि का चंद्रमा बैठा, तो आप शिक्षा के क्षेत्र से धन मिलेगा। यदि आप अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। पांडित्य कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और मल्टीटास्किंग कार्यों से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। और जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको अप्रत्याशित रूप से आशातीत सफलता मिलते हुए दिख रही है। यदि आप लेखक हैं तो लेखनी कार्य से आपको धन मिल सकता है और जितना एफर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। और आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और विकास का भी योग बन रहा है। यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन इत्यादि का भी योग बन रहा है। और आज आपको ध्यान रखना कि संतान की टेरिटरी में दखलअंदाजी न करें, बच्चों के प्रति कंसर्न रखें, उनको इनकरेज करने की आवश्यकता, और बच्चे बहुत अच्छा करेंगे जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी कि बेवजह आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा ना आवे इसका ध्यान रखना। इसके लिए उपाय क्या करना है, उपाय रखना कि भगवान शिव की आराधना करेंगे तो गुस्से पर नियंत्रण रहेगा और सफ़ेद वस्त्र जरूर दान करें। और आपके लिए शुभ अंक के साथ शुभ रंग है बैगनी, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना कि एक तो आपके मन में अज्ञात भय रहेगा, तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती है और आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। रोग और शत्रु प्रभावी होने की कोशिश करेंगे। और आपका मीन राशि का चंद्रमा आपके राशि से कर्म स्थान में बैठा हुआ दशम स्थान में, तो पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है और एफर्टरत कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जिस कार्य में प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलते हुए दिख रहे। परिवार में नए मेहमान के आगमन से मन आपका प्रसन्न रहेगा, पिताजी का सहयोग मिलेगा, माता का सुख मिलेगा और जीवन संगिनी का सुख प्राप्त होते हुए दिख रहा है। चारों तरफ से लाभ का समाचार मिलेगा और आज आपके पुराने मित्र मिलेंगे जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है, तो सावधानी क्या बरतनी है, आज अपने मन में नकारात्मक विचार ना आने दें तो अच्छा रहेगा। और आपके मन में नकारात्मक विचार ना आवे, आप नकारात्मक न सोचें, इसके लिए आपको क्या करना है कि गौशाला में जाके गाय को हरा चारा खिलावें, जिससे आपके लिए बुध ठीक होगा, जिससे आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना कि आपके अंदर अपरिमित ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं आपके लिए बेहतर होगा और जितनी अच्छी ऊर्जा लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। खासतौर से जो मेडिकल के फील्ड में कार्य करने वाले डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, उनके करियर के लिए समय बहुत अच्छा है। जो जर्नलिज्म में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, विदेश पढ़ने जा सकते हैं। और खासतौर से जो फाइनेंस में, लॉ के क्षेत्र में, आज आपको विदेश में अच्छा एडमिशन मिल सकता है। आपके षड्यंत्र कार्य विफल होंगे, समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है, तो समय का उपयोग करना आपके लिए बेहतर होगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। और आज आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कर्क राशि के जातक है, आपके राशि से 9वें स्थान में भाग्य स्थान में मीन का चंद्रमा बैठा है, तो आप भाग्य से जो भी एफर्ट करेंगे, भाग्य आपके अनुकूल है, तो आपका सारे कार्य आपको होते हुए दिख रहे हैं। माली हालत भी अच्छी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, घर इत्यादि बनवा सकते हैं, उसके लिए समय आपका काफी महत्वपूर्ण है। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करना, अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लाभ लेना, जो भी टाइम मिल रहा है उसका लाभ लें। उपाय क्या करना है, आज आपको लाभ प्राप्त हो इसके लिए सूर्यदेव को जल चढ़ावे और लाल चंदन अर्पित करें सूर्यदेव को, और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावे। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, उनको ध्यान रखना है कि आज आपको नए तरह के व्यापार करने के अवसर मिलेंगे, नए व्यापार से लाभ मिलेंगे, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। यदि आप विदेश से किसी प्रकार की व्यवसाय की योजना बना रहे हैं, या विदेश से व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, या आयात निर्यात करने की योजना हो, तो आपके लिए बेहतर है, उसमें लाभ मिलेगा। खासतौर से जब आप लिटरेचर के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आज आपको आय के साधन मिल सकते हैं। जो आपका करियर है उससे अलग हट के धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है। न्यायालय से आज आपको विजय श्री मिलने की संभावना बन रही है। आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना। तो खासतौर से जो सिंह राशि के जातक हैं, आपका चंद्रमा मीन राशि का अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो आज आपको बेवजह गुस्सा आएगा, तनाव होगी, वाणी कटु बोल सकते हैं, तो वाणी पर नियंत्रण करें। जो भी कार्य करें सोच समझ के करें और अपनी प्राइवेसी मेंटेन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी प्लान करते हैं तो सोच समझ के करें, दूसरे इसकी राय लेके करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके प्लान सफल हो इसके लिए आपको सूर्य की आराधना करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपको यश मिले। आपके लिए शुभ अंक है 5, शुभ रंग है मैरून और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण।
अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं इनके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो आज आपको लेखन से, साहित्यिक से काफी धन लाभ मिलेगा। आप कीमती सलाह देंगे उसे धन मिलेगा। फाइनेंस से, ट्रेडिंग से और एक्सपोर्ट से धन मिलने की संभावना बन रही है। मान सम्मान प्राप्त होते हुए दिख रहा है। यदि आप कृषि भूमि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपका सर्वोत्तम चला है। संततियों का सुख मिलेगा। और जो कन्या राशि के जातक हैं, आपका मीन राशि का चंद्रमा आपके राशि से सातवें घर में बैठा हुआ है, तो आज आपके माता पिता का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। जीवन संगिनी को नौकरी मिल सकती है और आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। और ढेर सारे कार्यों से एक साथ लाभ होते हुए दिख रहा है। जो भी आपकी इमेजिनेशन है वो रियलिटी में बदलते हुए दिख रहा है। आपकी फर्टाइल आइडिया को एक नया रूप दे सकते हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है तो अपनी एनर्जी को ध्यान से सही दिशा में लगाना है। निगेटिव में न जाना, निगेटिव सोचें, उससे क्या होता है कि आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है। आपका सोच अच्छा हो, आप अच्छा करें, इसके लिए आपको क्या करना है कि चंद्रशेखर भगवान शिव का, जो भगवान शिव चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, उससे एकाग्रता होती है, तो भगवान शिव को जलधारा चढ़ावें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए समय काफी महत्वपूर्ण है। एक तो आज बहुत सारे कार्य एक साथ करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, चैरिटी कार्यों में आपकी रुचि लगेगी, माता का सुख मिलेगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र साथियों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश से किसी प्रकार का डील करते हैं तो उससे काफी बड़े पैमाने पर लाभ हो सकता है। एक्सपोर्ट की भी संभावना बन रही है। परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, इसका प्रबल योग बन रहा है। माली हालात आपकी सशक्त होगी। तो जो तुला राशि के जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है कि आपका मीन का चंद्रमा आपके राशि से छठे बैठा, तो आज आपके जो भी खड्यंत्रकारी हैं सक्रिय हो जाएंगे, आपके रोग और शत्रु सक्रिय होंगे। आज आपको लोग परेशान कर सकते हैं और बेवजह आपके मन में असुरक्षा की भावना डेवलप हो सकती है, जिसके नाते आपका मन नकारात्मकता में जा सकता है और आपकी एनर्जी प्रभावित हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना और किसी की बहकावे में नहीं आना है। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखें, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव करें, टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करें और आपका मन प्रसन्न रहे, अच्छा रहे। इसके लिए आपको क्या करना है कि नीले रंग का वस्त्र दान करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको बेवजह गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात को लेकर आप इरिटेट हो जाते हैं। आज आपको रियल इस्टेट से, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। यदि आप भूमि भवन से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपके लिए लाभ है। तो चारों तरफ से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। परिवार में शुभ कार्य भी होने का योग बन रहा है। आज आपको माता का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, नए कार्य करने की आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी, नए तरह के कार्यों में काफी लाभ मिलते हुए दिख रहा है। नई इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, खासतौर से जो खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में अगर अपना करियर निर्धारित करना चाहते हैं तो उनका फ्यूचर उसमें बहुत ही ब्राइट है, तो खेल के क्षेत्र में अपने भविष्य को आजमा सकते हैं। आपके लिए लाभप्रद सौदा हो सकता है। जो वृश्चिक राशि है उनका चंद्रमा अपने राशि से पंचम हाउस में बैठा हुआ है, जिसको संतान भाव, विद्या बुद्धि, प्रारब्ध का भाव है, तो आप अपने इंटेलिजेंस से धन कमाएंगे, प्रारब्ध से आपका सारा कार्य संपन्न होगा, अपने विजन आइडिया का आज इंप्लीमेंट कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के स्रोत से गुप्त और अननोन और अननोन तरीके से धन आने की संभावना बन रही। सरकार से भी लाभ मिलेगा। गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण करने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, गुस्सा एकदम न करें और आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण के लिए कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो, इसके लिए हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक है आज आपको ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेशन हो सकता है, नए तरह के कार्य करने में परेशानी आ सकती है, तो जरूरत है गुस्से पर नियंत्रण रखने की। संपादकीय कार्यों में रुचि बढ़ेगा। यदि आप जर्नलिज्म में, मीडिया में कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभ का सौदा हो सकता है। जब देश विदेश से कोई डील करना चाहते हैं तो उसमें आज आपको काफी लाभ मिलते हुए दिख रहा है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव लगावें, निगेटिव दिशा में नहीं जाना है। माता पिता का सुख मिलेगा। बेवजह किसी व्यक्ति से विवाद न करें और दूर द्रुत गत से गाड़ी न चलावें। और आज आपको ध्यान रखना है कि आपका मीन का चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, जो माता का घर है, यहां बैठा हुआ है, तो आज आपको माता का सुख मिलेगा। गाड़ी खरीद सकते हैं और कृषि भूमि खरीद सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर लाभ मिलते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहें, आपका हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए आप क्या करना है, हनुमान जी की पूजा करना है और बंदरों को केला जरूर खिला में, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पिंक, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। तो गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे
कि आप अपने दिन को कैसे अच्छा करें। यदि आपके घर में मान लीजिए कोई बच्चा, उसको चोट चपेट लग रही है, एकाग्रता नहीं है, दिक्कतें आ रही है, धनाभाव आ रहा है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा की वजह से इस तरह की दिक्कतें हो रही है, तो आप क्या करें कि कोई भी गरीब व्यक्ति है, जैसे महिला हो या पुरुष हो, आप कम से कम 12 सोमवार उसको दूध या दही जरूर अपने हाथ से खिलावें। अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे जो अंतिम 3 राशियां बची हुई हैं उसके बारे में, मकर, कुंभ, मीन। आइए हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं, आपके राशि से तीसरे भाव में मीन राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आलस्य में आप अपना समय बर्बाद करके अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाते। तो जरूरत अपने समय को अच्छे दिशा में देने की पर, और उसमें अपने को लाभ लेने की। और कई बार क्या होता है कि आज नहीं कल, कल नहीं कल, कल कभी समाप्त नहीं होता, और आपका कार्य जब नहीं होता है तो आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, और गुस्से में आप निर्णय लेते हैं जो निर्णय आपका गलत होता है, तो इससे आपको बचना है। यदि आपको नई इंडस्ट्री करने के भी अवसर मिलेंगे, नए व्यापार खोलने का अवसर मिलेंगे, नए तरह के कार्य कर सकते हैं, उसके लिए समय आपका गोल्डन चल रहा है। परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, इसका प्रबल योग बन रहा है, जमीन वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं। रोग और शत्रु परास्त होंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, ध्यान रखना है कि आपके बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, एक तो ऑलरेडी खर्चे बहुत हो रहे हैं और एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ले लेते हैं, उससे आपके दिक्कत होती है, तो अपने खर्च पर कंट्रोल करें। और आपका खर्चा कैसे कंट्रोल हो, आपका इनकम कैसे बढ़े, उसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, जिससे आपके धन की स्थिति ठीक हो और धनागम हो। और आपके लिए आज शुभ अंक है 8, शुभ रंग है हरा और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक है उनके लिए समय बहुत अच्छा है, तो परिवार में शुभ कार्य होने का पूर्ण योग बन रहा है, भाई बहन का सुख मिलेगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, नए तरह के इंडस्ट्री व्यापार लगा सकते हैं। जो खास तौर से खिलाड़ी हैं, खेल के क्षेत्र में आपका करियर अच्छा होगा, और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नौकरी इत्यादि मिल सकता है। सेहत का अपने ध्यान रखें। तो जो कुंभ राशि के जातक है आपके राशि से दूसरे भाव में मीन राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा, एक तो आज आपको लालित्य कला से, लेखन से और साहित्य से धन मिलेगा, और अपने स्किल से और कीमती सलाह देने से धन कमाएंगे। थोड़ी सी हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना है, खर्च पर कंट्रोल करना है। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी की जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले, इससे बचना है। उपाय क्या करना है, आपका सब ठीक हो इसके लिए आपको कहते हैं गाय को हरा चारा जरूर खिलावें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, एक तो जो मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होता है, छोटी छोटी बात उसको बहुत हर्ट करती है, तो आपको क्या करना है कि भावनाओं में बहके कोई कार्य न करें, तो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, तो आवेशित न हो, इंपल्सिव न हो, और वाणी से धन अर्जित करेंगे, कीमती सलाह देंगे, शिक्षा के क्षेत्र से आपको धन मिलेगा, समय का सदुपयोग करें, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने की संभावना दिख रही है। आज मीन राशि के जो जातक हैं उनके लग्न में ही चंद्रमा होने के नाते आज आपकी जो भी महत्वाकांक्षा, इमेजिनेशन है, वो सब कार्य रूप में परिणत होते हुए दिख रहा है। समय आपके लिए स्वर्णिम है, अपने समय का कैसे सदुपयोग करेंगे उसको थोड़ा सा अपने को चैनलाइज करना, अनुशासित होना है, और जितना ऑर्गेनाइज होकर कार्य करेंगे उतना आपके लिए बेहतर लाभप्रद की स्थिति रहेगी। खान पान पर जरूर नियंत्रण करें, सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य में अपना समय नष्ट न करें। और आज आपके समय बहुत अच्छा हो इसके लिए क्या करना है कि आप पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हो, इसके लिए पीला चने की दाल मंदिर में जरूर अर्पित करें, जिससे धनागम हो। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पीला और लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। आज हमने आपको बताया कि आपके जीवन में नंबर 2 का क्या महत्व है, आपके चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे संतान का मामला हो, चाहे आपके प्रगति का मामला हो, चाहे राजनीति का मामला, चाहे आपके व्यक्तित्व का मामला हो, आपके जीवन में 2 नंबर कितना महत्वपूर्ण है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसके मेरिट डिमेरिट क्या है, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सबके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते हम आपको बता दें कि कल कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा मुहूर्त है, राहु काल कब है और दिशा शुल्क कब है, आइए आपको बताते हैं। कल है 17 सितंबर 2019, दिन है मंगलवार, तृतीय तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा रहेगा मेष राशि में। शुभ समय है 11:51 से लेकर 12:39 दोपहर तक रहेगा। राहु काल है 3:18 से लेकर 4:49 सायंकाल तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशा शुल्क है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्ण।